हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आप लोगों के लिए ट्विन फ्लेम के ऊपर भी एनर्जी निकालूंगी, तो यस, ट्विन फ्लेम पहले क्या होता है। ट्विन फ्लेम एक ही सोल के दो पार्ट होते हैं। जो मेल पार्ट होता है उसको हम डिवाइन मस्कुलाइन बोलते हैं, और जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम डिवाइन फेमिनाइन बताते हैं। अब ये डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन मस्कुलाइन कब होता है, और जो फेमिनाइन पार्ट होता है वो फेमिनाइन पार्ट डिवाइन फेमिनिन पार्ट कब होता है। तो इसकी थ्योरी ये है कि अगर आपने अपने आप को स्पिरिचुअली 100% अवेकन कर लिया है, आपका अवेकनिंग हो चुका है, तब ये मस्कुलाइन बनता है डिवाइन मस्कुलाइन। अगर आपका मस्कुलाइन अवेकन नहीं है, वो अभी भी किसी टॉक्सिक एनर्जी में है, कार्मिक एनर्जी में है, मटेरियलिस्टिक है और बिल्कुल विपरीत उसका नेचर है, तो उसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन। और ऐसी फेमिनाइन की अगर एनर्जी है तो उसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। तो ये जो जर्नी होती है ना, मस्कुलिन टू डिवाइन मस्कुलाइन, आइदर डिवाइन मस्कुलाइन और द डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन, और फेमिनिन टू डिवाइन फेमिनिन और द पता नहीं यार क्यों नहीं रख रहा है, और डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन। ओके, तो ये जो जर्नी रहती है, ये जो अंतर रहता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हर एक के लाइफ में। अब हाई वाइब्रेशनल आप एनर्जी वाले सोल हो, ट्विन फ्लेम, बहुत इन्होंने जन्म लिए होते हुए, बहुत जन्म लेके इन्होंने कई अच्छे काम किए होते हैं, तब जाके इनके एनर्जी एक डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में आते हैं। अब यहाँ पे हर कोई बोलता है ट्विन फ्लेम, बट थ्योरी ये कहती है कि बहुत ही कम ट्विन फ्लेम है जिनका यूनियन होता है, और जिनका यूनियन होता है उनका एक नोबल कॉज भी होता है कि उनको समाज के लिए बहुत बड़ा काम करना होता है। हाई वाइब्रेशन सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जी में बिल्कुल कम अंतर रहता है। अब जिस सोल ने आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम जन्म लिया है, आपके ट्विन के मुकाबले भी कभी कभी हाई वाइब्रेशन सोलमेट की जो जन्म होती है वो हाई होते हैं, क्योंकि ट्विन जैसे ही एक सोल से स्प्लिट हो जाते हैं, जैसे मानो ये एक पूरा सोल है, ऐसे स्प्लिट हो गया, एक पार्ट हो गया मस्कुलाइन का, एक पार्ट हो गया फेमिनाइन का, तो मस्कुलाइन का पार्ट अपनी जर्नी में चला जाता है, वो अपने अपने लाइफ अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, अपने अपने कार्मिक बनाते हैं, इसके हिसाब से वो अपनी जर्नी कैरी करता है। यहाँ से फेमिनाइन अपने हर किसी हर सोलमेट के साथ जन्म लेती है, अपने कर्मा क्लींस करती, फिर जो काम उसको दिया गया वो करती, वो अपनी इस जर्नी से जाते, ये ऐसे 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 जाके ये ऐसे फिर से यूनाइट होते हैं, और फिर से मर्ज होने के बाद ये लोग फिर से डिवाइन में यूनाइट हो जाते हैं। तो ये जो जर्नी होती है ना, ऐसे इनकी ऐसी घूम के जाने की, तो उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं। सोल कौन सा भी हो, ट्विन फ्लेम हो, कार्मिक हो, टॉक्सिक हो, कोई भी हो, बट हर सोल की एक उसूल होती है कि उसके साथ लगभग 14 उनके कभी कभी किसी के साथ 14 सोलमेट आते हैं। दो टॉक्सिक पर्सन इनके लाइफ में आते हैं, घोर नार्सिसिस्टिक पर्सन आते हैं, और अगर पॉसिबल है तो इनका ट्विन फ्लेम इनसे यूनाइट होता है। और ट्विन फ्लेम की वाइब्रेशन फेमिनाइन को क्यों लगती है, क्योंकि अगर फेमिनाइन लाइफ में आकर पर्पस भूल गई है, अपने उद्देश्य से भूल गई है, तो उसको लाइफ में उसको पटरी पे लाने का काम उसकी मस्कुलाइन का होता है। अगर वो बहुत ही गिविंग नेचर में है, डिवोटेड नेचर में, जबकि उसके लिए बोला गया कि आपको सेल्फ लव में आना है, आपको रिसीवर बनना है, रिसीव करना है, बट ये अपने नेचर के हिसाब से ये बात नहीं कर पाती, तो ऐसे में मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलती हूँ, ऐसे में उनका ट्विन इनसे कनेक्ट होता है, उनको सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ की वैल्यू समझाता है। अब ये ट्विन से ही ये फेमिनाइन को इतना फ़र्क पड़ता है, इसलिए इनको ट्रिगर भी इनके ट्विन के से दिया जाते हैं। अगर इनको अब फेमिनाइन का क्या होता है कि इनको अदर सोल इनको अगर ट्रिगर करते हैं, इनको तकलीफ देते, इस चीज़ का उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर इनके खुद के ट्विन अगर उनके साथ कुछ गलत कर दे तो इनको बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये बात इनके बहुत दिल पे लगती है,
अब ऐसे में दो इफेक्ट होते हैं, या तो फेमिनाइन अपनी रिवर्स गियर डाल के अपने आप को स्ट्रांग बनाने में लग जाती है, नहीं तो ट्विन फ्लेम के दिए हुए गम में ही ये पूरी जिंदगी रोने धोने में निकाल देती है, ट्विन का इंतजार करते हैं। जबकि ट्विन का अगर इनके लाइफ से जुड़ने का मतलब इतना है कि बस इनको इनकी सेल्फ लव समझानी है, ये प्यार करके फिर इनको छोड़ के जाना, इनको इनका दिल तोड़ना, ये बात इसीलिए होती है कि ताकि मेरे जाने के बाद इसको अपनी वैल्यू पता चले, बड़े नफरत करे बट ये अपने आप से प्यार करने लगे। तो ये एक जेन्युइन पर्पस रहता है मस्कुलिन का, मैंने एज एग्जांपल एक तौर आपको बताया है। ऐसे काफ़ी सारे पर्पस हो सकते हैं मस्कुलिन के जुड़ने के। तो ऐसे में ये समझना ज़रूरी है, आपका खुद का जो व्यू है वो पर्सपेक्टिव है देखने का, समझने का, जानने का। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हो, आध्यात्मिक यहाँ पे आप जुड़े रहते हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज़ नॉट अ फैसिनेटिंग कनेक्शन, इट्स अ वेरी पेनफुल कनेक्शन। बहुत ही कम कनेक्शन ऐसे कि जहाँ पे यहाँ पे हुआ है, आप सोच सकते हैं खुद भगवान जी ट्विन फ्लेम थे तो उनको कितना पेन, मतलब सच जानने के बाद, एक्सेप्टेंस के बाद भी इतना पेन किसी को अगर यहाँ पे लेना पड़ा, तो इट्स नॉट अ फैसिनेटिंग कनेक्शन। हर यूनियन के पीछे एक संदेशा होता है जो आपको देना होता है, तो समझो इस बात को, जो आया वो अपने आप को ट्विन फ्लेम बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है, तो भाई ये तो इसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है कि ये बहुत ही आपका पैशन लव स्टोरी है, नहीं। ऐसे कनेक्शन में प्यार से ज़्यादा तकलीफ दर्द बहुत ज़्यादा होते हैं, आप में वो कैपेबिलिटी रखनी चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो इतना ठहराव, इतने पेशेंस आपके अपने थॉट में आने चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे मटेरियल व्यू आपको दिया जाता है कि अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कीजिए और सोलमेट के साथ अपनी लाइफ फुलफिल कीजिए। मानो आपका आपका ट्विन फ्लेम कहीं और मैरिड है, आप कहीं और मैरिड हैं, तो क्या आप इनसे यूनाइट होने के लिए कोशिश करेंगे? अगर आप आपकी रिश्ते अच्छी चल रही, क्या आपको बोला जाए कि चलो आपको ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए अपने फैमिली छोड़ दो, क्या आप छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना, भले आपको पता है आपका ट्विन फ्लेम, इसके बाद भी आप छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी सोल वैसे है, आपकी सोल आपको ये अलाउ नहीं करने देगी। सोल बोलेगी आपको ड्यूटी कम फर्स्ट, भले फिर आपको कितनी भी तकलीफ लेना पड़े। तो ये छोटी छोटी बातें जो इनर सेंस से आपको जानने ज़रूरी होती है। तो चलिए देखते हैं, अब आज के दिल इतना ही हो गया, हम तो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर रीडिंग ही नहीं निकलेगी। चलिए देखते हैं ट्विन फ्लेम का आपकी डिवाइन मस्कुलिन की करंटली क्या एनर्जी है। बट यहाँ पे ये बात भी होती है गाइस, कंसेप्ट का आधार लेके बहुत लोगों के साथ चीटिंग भी होती है, तो थोड़ा अलर्ट रही है। हर कोई बोलने की कोशिश करते है कि मैं आपका ट्विन हूँ तो मुझे भाई ये अधिकार मिल गया आपके दिल के साथ खेलने का, आपके साथ खेलने का, तो थोड़ा होशियार भी बनिए आप। क्यों, कोई भी ट्विन फ्लेम सामने से कभी किसी को बताता ही नहीं कि मैं तुम्हारा ट्विन हूँ। सबसे पहली बात, रेयर केस में होता होगा, बताया होगा और जेन्युइन तरीके से रिश्ता निभाया भी होगा उन्होंने, ये हो सकता है। बट मेरे नॉलेज के हिसाब से या फिर मैंने जितना भी केसेस सब मैंने पढ़ा स्टडी किए इनके हिसाब से, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होते कि अपने आप से बोलते कि मैं आपका ट्विन हूँ। जी आपके ट्विन तो बहुत पेनफुल एनर्जी में है, आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड अस। सो नहीं पा रहे हैं, किस बात का गिल्ट लेके बैठे हैं? अच्छा जी, झगड़ा किया इन्होंने आपसे। एडिक्टिव भी है आपके ट्विन, किसी एडिक्शन के शिकार है शायद, आजकल ड्रिंक कर रहे, कुछ कर रहे, क्या है आर्कएंजल माइकल डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी, कलेक्टिव मस्कुलिन की एनर्जी क्या है? जी आपके टूवर्ड्स एक्शन तो लेना चाहते हैं, जी फ्रेंडशिप करना चाहते हैं,
फिर से बॉन्डिंग बिठाना चाहते हैं ये पर्सन। या तो आ रही भाई एनर्जी, शादी के लिए भी सोच रहे हैं। प्यार तो कर रहे हैं गाइस। हाँ, खुद भी दिल तोड़ा है और आपका भी दिल तोड़ा है इन्होंने, और इस चीज को लेकर पछता रहे, सो नहीं पा रहे, हेल्थ इश्यू इनके हो रहे, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है मन ही मन। मिलना चाहते ये पर्सन आपसे, आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रही है पर्सन। इगोस्टिक इनका नेचर है, बट इसके बाद भी ये पर्सन अब आपसे कम्युनिकेट करने की एनर्जी है। प्यार का भी किंग आ गया है, पेंटेकल का भी किंग आ गया है, वैंड्स का भी किंग आ गया है, एक्शन भी है, प्यार भी है, और बोलते हैं ठहराव भी है। अब क्लैरिटी भी देंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे, 101% यूनियन तो है गाइस। नाइन ऑफ सोर्ड्स क्यों है एंजल? जी विक्ट्री। चलिए आ गई है आपके पास, किसी किसी को मैसेज आ गए, बोलना मैनिफेस्ट कर रही है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। फाइव ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? कंफ्यूज है किस तरह से बात करूं, क्योंकि अब तक तो अप्रोच किया नहीं है, हमने तो ब्लॉक करके रखा है, हमने तो डिटैच करके रखा है, अब कैसे बात करूं? हम तो भाई अपने एटीट्यूड के घोड़े पे सवार है, हम क्यों बात करें, ऐसे एटीट्यूड में हम रहे हैं, अब आगे चलकर बात कैसे करूं? क्योंकि दिल तो खुद ही ने तोड़ा है, खुद ही ने बातें करना कम कर दिया था, खुद ही ने दूरियां बना के रख के चले गए थे, अब ये जुड़ना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम की एनर्जी तो बढ़िया रही, बहुत सेक्सुअल डिजायर हो रही गाइस इनको, आपको लेके फिजिकल यूनियन चाहते हैं आपसे। सिक्स ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड थ्री ऑफ कप, यूनियन चाहते हैं गाइस। किंग पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, रिकंसिलेशन, रियूनियन। मैरिड है और कुछ सेपरेशन चल रहा था, तो उन लोगों के लिए अच्छी बात है। बहुत कंटेंट की मैरिज होती है, जो लकी वन है उनके लिए तो अच्छी बात है भाई जी। बर्डन देखिए जो चला गया था ना आपके ऊपर, इतना सारा बर्डन, या फिर इतने सारे बर्डन को कैरी करते, इनको आसानी से पेलते हुए ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास, हटाएंगे अब आपका बर्डन। किंग ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? दिल क्यों तोड़ते हैं भाई इतना जी? ईगो के चलते कारण दिल तोड़ा गया था आपका जी, आपने भी कट करके रखा इनको, आपने भी बोला भाई हम भी कट, आप कट तो हम भी कट, आपका ईगो अपने पास रखो, हमें जरूरत नहीं, दिल टूटे हुए दिल के साथ हम खुश है, आपकी एनर्जी है। फोर ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है? इससे अप्रोच ने तो इनको घुटने पे लाके रखा है, इसी अप्रोच ने तो इनको टूवर्ड्स आने के लिए इतना मजबूर किया है कि अब इंतज़ार नहीं होता है, ऑप्शन को कट करके, ऑप्शन के इनके लाइफ में ऑप्शन तो थी गाइस, इनको साइड आउट करके ये पर्सन ये कप लेके आपके पास आ रहे हैं। सिक्स ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? हाँ, अप्रोच कर रहे, कप ही कप आ रहे गाइस इनके तो एनर्जी में जी। खुद खत्म करके गए थे ये पर्सन, रिश्ता चीटिंग की थी इस पर्सन ने आपके पास, आपके साथ चीटिंग की थी, थर्ड पार्टी थी इस पर्सन के लाइफ में, थर्ड पार्टी की दो बार एनर्जी आई थी, थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल तोड़ा था इस पर्सन ने 101%। अब ये पर्सन विद अपोलॉजी, जबकि इसका नेचर नहीं है भाई माफी मांगना, घमंडी है, इगोस्टिक है, बट आपने भी इनके तलवार का जवाब तलवार से दिया तो आ गए लाइन पे। आपने ऐसा क्यों किया होगा, मैं देखूंगी आपकी एनर्जी में जी। लवर क्लैरिटी देंगे, डेफिनेटली ट्विन फ्लेम में एनर्जी तो आनी थी लवर की, आ गई। फोर ऑफ फ्रेंड्स, 11-11 एंड लवर, कंफर्म ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, यूनियन है। अगेन फोर ऑफ फ्रेंड्स, वेरी गुड, देखिए 101% ट्विन फ्लेम की एनर्जी हो रही है, आपके मस्कुलर टूवर्ड्स यू एक्शन ले रहे हैं। क्वीन ऑफ फ्रेंड्स दो बार आए हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव हो, स्ट्रांग बन चुके हैं आजकल। एस ऑफ सोर्स,
है, बहुत लोग हैं, बहुत लोगों की वजह से आपके रिश्ते में एक टावर मोमेंट आया था। आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, आप दोनों के रिश्ते में एक टावर मोमेंट डेफिनेटली आया था, बट अब ये पर्सन ने आपको क्लैरिटी देना और आपके साथ रिश्ते में अपने एफर्ट डालना और आपको अपनी लाइफ में वापस लाना ठान लिया है, और यही एनर्जी है आ रही है ट्विन फ्लेम की। मेरे तो चैनल पर मस्कुलिन की एनर्जी बड़ी अच्छी आई गाइस, क्लेम इट। अब मैंने पहली बार निकाली ट्विन फ्लेम की एनर्जी, क्योंकि मुझे बोल रहे थे लोग कि मैम अदर चैनल पे बहुत हेवी एनर्जी आ रही है, तो आप प्लीज़ हमें बताइए। तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी अच्छी आ गई है। कलेक्टिव ट्विन फ्लेम की रीडिंग तो बड़ी अच्छी आ गई। चलिए अब देखते हैं फेमिनिन की एनर्जी क्या है। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी क्या है। आहा, फेमिनिन तो भाई पहले से रेडी है ट्रेडिशनल मैरिज के लिए। देखेंगे देखेंगे और निकालेंगे जी। कितने आपके कार्ड देखे, एक की शफल में कितने आ गई है, मैंने ले लिए जी। फेमिनाइन वेट कर रही है, मैरिज कमिटमेंट का वेट कर रही है, और कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है। फेमिनाइन रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए जी। आपके ट्विन फ्लेम ने आपके साथ झगड़े किए थे, हमें पता चल गया है। यस, आप भी उतने ही बेताब है इनके टूर जाने के लिए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप भी चाहते इस रिश्ते में नई शुरुआत, और करेंगे आपके ट्विन फ्लेम तो आपके साथ शुरुआत करेंगे। अब देखते हैं ये कहाँ से इमोशनल विड्रॉ कर लिया है। अच्छा, क्लियरिटी चाहिए, अगर क्लियरिटी नहीं देंगे तो शायद आपने मन बना लिया है कि आप ज़्यादा झेलेंगे नहीं। आप तो कॉन्फिडेंट है, अपने सेल्फ लव की एनर्जी में आप है भाई, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आजकल आप, अच्छी बात है, एक्चुअली अच्छी एनर्जी है। वेरीफाई करते हैं हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है एंजल। मैंने बोला ना रेडी हो, आप बहुत प्यार करते हो अपने ट्विन से, बहुत ज़्यादा। क्या कहीं आप भी कहीं और मैरिड है तो फिर भी इंतज़ार है, ट्विन है आपके। बहुत पता नहीं किसके एनर्जी ले ली मैंने, बट आपके लगता है आपके ट्विन भी कहीं और मैरिड है और आप भी कहीं और मैरिड है, क्योंकि उनकी और भी फोर ऑफ हैंड्स की एनर्जी आई थी। बट प्यार तो बहुत करते हैं आपके ट्विन भी आपसे और आप भी आपके ट्विन से। शायद आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो जी, और आप दोनों का कनेक्शन कहीं और है, इसीलिए आप स्ट्रक है, इसीलिए आ नहीं पा रहे हो, बट वेट आप कर रहे हो ये अटकाव जो आया है रिश्ते में वो चला जाए। पेटा पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल। ये चीटिंग की एनर्जी बहुत आ रही है, ये चीट किया था इस पर्सन ने आपको, या तो ये पर्सन मैरिड थी, इन्होंने आपको बताया नहीं था और ये बात आपको हर्ट हो गई है बहुत। बट अब ये पर्सन आप भी मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं रिश्ता और इस रिश्ते में आप अपने लिए वैल्यू चाहते, रिस्पेक्ट चाहते, और ये रिश्ता परमानेंट रहे ऐसा आप चाहते, ये बार बार आना जाना ना रहे, मैनिफेस्ट करते हैं आप अपने पर्सन को, अपने ट्वीन को। नाइट ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल जी। और आप भी कहीं और अगर मैरिड है तो ये आपके लिए भी मुश्किल हो रहा है कि दो दो सिचुएशन को किस तरह से जगल करें। थोड़ा सख्त नेचर आपका भी हो सकता है
आपके ट्विन को लेकर, या फिर आपके ट्विन तो मुझे लगते ही इगोस्टिक। थ्री ऑफ पेंटेकल्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, सिक्स ऑफ सोर्स एंड फोर ऑफ कप। आपको ऐसे लगता है ना, शायद अगर आपके पर्सन ने आपसे दूरियाँ बनाई, मतलब ट्विन ने आपसे दूरियाँ बनाई है, तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि शायद इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, तो निकल जाना ही ठीक है इस रिश्ते से। और ये कनेक्शन शायद आपने लूज़ कर दिया, इस मायूसी में आप रहते। हालांकि एनर्जी आपकी है कि इस कनेक्शन पे काम करने की आपकी एनर्जी है, बेटी मायूसी आप में आ जाती है। फाइव ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? अच्छा जी, ये इसके लिए थी जी। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज है आपको आपके ट्विन को लेकर। इस बार आपके ट्विन के लाइफ में डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी ऑप्शन से जो आपको पता नहीं है, या फिर थर्ड पार्टी होने के बाद मुझे पता नहीं, ऐसा कहीं लगता है कि ये कहीं और भी इन्वॉल्व थे, बट कुछ ऐसी बात हुई थी आप दोनों में जो आपको अभी भी पेन दे रही है। ये आपकी एनर्जी में टेन ऑफ सोर्स बहुत आ रही है आजकल, ट्रस्ट इश्यूज बहुत है आपको, बट ये जो कुछ भी ट्रस्ट इश्यूज थे ये ख़त्म करने की आपकी भी एनर्जी है। आप भी चाहते कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, आपको बड़ी उम्मीद है अपने ट्वीन से। यहाँ पे अगेन एनर्जी आ गई गाइस, यहाँ पे लवर की एनर्जी आ गई है आपकी एनर्जी में भी। बहुत प्यार करते, बहुत तो ज़्यादा प्यार करते आप अपने ट्वीन से। शायद इस प्यार की हद ना आपको पता है ना उनको पता है। मैजिशियन भी यहाँ पे दोबारा आया गाइस, आप बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो, कुछ एनर्जी रिलेटेड आप काम कर रहे हो। जी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई ऐसा रास्ता निकले जहाँ से सब कुछ ठीक रहे, बट यहाँ पे एट ऑफ कप की एनर्जी मुझे दो बार आपकी एनर्जी में आई है। या तो आपने इस रिश्ते से ऑलरेडी मन बना लिया कि शायद इस रिश्ते में इतना काम ना हो आगे, इससे निकलना ही ठीक है, धीरे धीरे करके आप निकलने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को अपने आप में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप ना आपकी खुद की मनस्थिति बहुत द्विधा हो चुकी है, एक मन आपको बोलता है कि आप इस रिश्ते को कभी छोड़ नहीं सकते, और एक मन आपको बोलता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, इसमें रुकने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। और जब आपकी ऐसी मेंटेलिटी होती है कि इस रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको मैनिफेस्ट करके ही क्या फ़ायदा, तो उस वक्त आपकी ऐसी मेंटेलिटी, ऐसी एनर्जी होती कि मैं चली जाऊँ यहाँ से। बट फिर आप खुद मैनिफेस्ट भी करते कि ईश्वर करे ऐसा कुछ रास्ता निकल जाए कि जहाँ से मुझे भी मायूस ना होना पड़े और सब कुछ मिल जाए। देखिए सॉफ्ट सोर्स को, सॉफ्ट सोर्स ने क्लेरिफाई किया है यहाँ पे, क्लेरिफिकेशन चाहते हैं आप। अगर आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है ना, इसके ऊपर आप क्लेरिफिकेशन चाहते हैं। आपको भी पता है ये पर्सन डेस्टाइन था, आप अगर मिले हैं इस पर्सन से तो ये कोई आम बात नहीं है। हो सकता है इस तरह का कनेक्शन में आप कभी आए नहीं है, ये आपका फर्स्ट टाइम कनेक्शन थे और आप खुद भी नहीं समझ पाती कि ऐसे आपके साथ क्यों हुआ था। तो ये आपका डेस्टाइन कनेक्शन है, इस चीज़ की क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, एक क्लैरिटी आपको और चाहिए। अगर इस पर्सन ने आपके साथ धोखा किया है, चीटिंग की है, आपसे बातें छुपाई हैं, या फिर बिना कहे ये पर्सन आपके लाइफ से चले गए हैं, इन्होंने इमोशनली विड्रॉ कर लिया है बिना क्लैरिटी दिए बिना, तो आपको वो क्लैरिटी चाहिए। एट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? जी बट आप तो चले गए इस रिश्ते से, बट ये पर्सन आ रहा है टूवर्ड्स यू, क्योंकि सब बातें इस पर्सन को, आपका सब अच्छा लगता है इस पर्सन को। आप कॉन्फिडेंट हो चुके हो, या तो आप कॉन्फिडेंट इस बात के लिए हो चुके हो कि बड़ी आसानी से अब आप इस रिश्ते से निकल सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आप में आ चुका था, आ चुका है। अगर पहले आप में कोई इतना धीरज नहीं था, तो मुझे लगता है आप अब उसमें इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर आप में आ चुकी है कि अब आसानी से इस रिश्ते से आप निकल सकते हो।
ये किसी के लिए एनर्जी है, किसी के लिए एनर्जी ये है जो चला गया था इस रिलेशनशिप से, इमोशनल विड्रॉ कर लिया था, वो वापस आपकी एनर्जी इस रिलेशनशिप की टूवर्ड्स मुझे आती हुई दिख रही है। अब ये कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ डोंट से गाइज इट्स कन्फ्यूजिंग मी। अब यहाँ पे कुछ फेमिनाइन ऐसी हो सकती है कि जिन्होंने मन बना लिया है कि हमें इस रिश्ते में अब नहीं रहना है, हम प्यार करेंगे, ज़रूरी नहीं कि हमसे हमें मिले, हम इनको अनकंडीशनली प्यार करते रहेंगे। बट अगर आप इनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं विदाउट इनिशिएटिंग, विद ट्रांसपेरेंसी, विद लॉयल्टी, अगर ये नहीं दे सकते तो हो सकता है कि आपने मन बना लिया कि आप चले जाए इस रिश्ते से, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो चुके हो, सेल्फ लव में आप आ चुके हो, इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आप अपने ऊपर प्यार कर रहे हो आप। तो ये थी गाइस फेमिनाइन की कलेक्टिव एनर्जी। तो मैंने पहली बार निकाली गई एनर्जी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो बोलिए मुझे, मैं इस टॉपिक पे ट्विन फ्लेम के ऊपर मैं रीडिंग लाया करूँगी। अब मैं व्यूज़ और लाइक के हिसाब से मैं देखूँगी गाइस, अगर इसको व्यूज़ आते तब मैं निकालूँगी, अदरवाइज मैं अपने ही चैनल पे जो अपने टॉपिक रहते हैं उसी के साथ मैं कंटिन्यू करूँगी। ओके गाइस, नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।